वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. मैं आपको अपने बहुत सारे अगले अमेजिंग किस्म के मेहमानों से मिलवाना चाहती हूं, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ. मेरे पास सैफिया बॉयज हाई स्कूल से मेरे सारे मेहमान मौजूद हैं. यहाँ पर सख्त जीनियस चल रहे हैं, सारे के सारे स्मार्ट स्मार्ट किड्स. इनके नाम और मैं इनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, फिर बताऊंगी ये करते क्या हैं. हमारे साथ हैं अब्दुल तैयब मुस्तफ़ा साहब, हमारे साथ उनके बराबर में बैठे हुए हैं बुरहानुद्दीन मोईस साहब, और फिर हमारे पास इनके टीचर हुसैन जुएब साहब हैं जो कि रोबोटिक्स पढ़ाते हैं और कंप्यूटर टीचर हैं, और उसके बाद हमारे पास हैं कौसर अली मुर्तज़ा साहब, और उसके साथ हमारे पास बैठे हुए हैं मोहम्मद अदनान, ऐसे ही है, और हमारे साथ फाइनली बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अजीज इकबाल. कैसे हैं आप लोग? सर, इन सब के हाथ में रूबिक्स क्यूब है, आप जल्दी से हमें बताएं कि आप इनको कैसे सिखाते हैं और क्या करते हैं. जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारी स्कूल के अंदर रूबिक के अलावा रोबोटिक्स वगैरह जैसे अभी आपने बताया, तो इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे और भी सारे करिकुलम स्टार्टिंग से ग्रास रूट लेवल से सिखाए जाते हैं. तो ये रूबिक क्यूब जो आज इनके हाथ में है, तो इनसे पहले ये रोबोटिक्स और ये सारी चीजें सीख के देनी यहाँ पे आए हैं. ठीक है. और 3 वीक्स के टाइम पे इन्होंने ये सीखा है, और 3 हफ्ते में तीन हफ्ते में की लगातार मेहनत की है इन्होंने सबने, और इनके अलावा भी और भी बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, और तीन हफ्ते के अंदर इन्होंने जो है ये रूबिक क्यूब बनाना जो है ये सीखा है सारी चीज़. और 3 हफ्ते में इन लोगों ने इतना अच्छा रूबिक क्यूब बनाना सीखा है कि ये लोग 1 मिनट और 15 सेकंड में पूरे का पूरा स्क्रैम्बल्ड रूबिक्स क्यूब जो है वो सॉल्व कर लेते हैं. ये कैसे करते हैं ये हम दिखाएंगे आपको इस छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. मेरे सेट के ऊपर जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला गया है, मेरे पे ग्रेड से भी ऊपर. हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं हुसैन जुएब साहब जो कि रोबोटिक्स और कंप्यूटर टीचर हैं एट सैफिया बॉयज हाई स्कूल, और बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बेसिकली रूबिक्स क्यूब सिखाते हैं. हमारे साथ अब्दुल तैयब मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, हमारे साथ उनके साथ बुरहानुद्दीन मोईस बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ कौसर अली मुर्तज़ा साहब बैठे हुए हैं, मोहम्मद अदनान बैठे हुए हैं और अजीज इकबाल बैठे हुए हैं. तो हम लोग जल्दी से, क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त पे चल रहे हैं, तो मैंने इनके, बाय द वे, इन लोगों ने अपने रूबिक्स क्यूब जो थे वो स्क्रैम्बल कर लिए हैं. अजीज तुमने चीटिंग तो नहीं करी? अजीज तो वो बैठा, सॉरी, आपने चीटिंग तो नहीं करी? मुझे लग रहा था कि ये कुछ कर रहे थे. मतलब देखिए इनके क्यूब्स आप लोग देख रहे हैं कि इनके सबके क्यूब स्क्रैम्बल्ड हैं. टाइम स्टार्ट, हम लोग अगर सॉल्व करने की तरफ चलें, हम टाइम कर दें इसको. मैं स्टॉप वॉच निकालती हूँ, रुके रुके, दिस इज इंपॉर्टेंट. मेरा फोन मुझे रिकग्नाइज नहीं करता जब मेकअप लगा होता है, वो कहता कौन है आप. ऑल राइट, टाइम स्टार्ट नाउ. अच्छा, मुझे बताएं कि हुसैन साहब कि ये जो हैं बच्चे, ये रूबिक्स क्यूब से इनका मतलब ये टैबलेट से निकल आएंगे, उससे भी निकल आएंगे, अपने क्या कहते हैं मोबाइल्स ये वो कम उसके ऊपर रुझान होगा, इसके अलावा और ये किस चीज़ में मदद करता है? जी ये बेसिकली स्कूल के अंदर जो हमारी टीचर्स वगैरह हैं जिन्होंने इनके ऊपर इतनी माइंड के ऊपर मेहनत की है, जैसे हमारे यहाँ माइंड मैथ और सारी स्कूल्स के अंदर चलता है, तो बेसिकली क्या था इन लोगों को समझाने का मकसद ये था कि इनका रूबिक करने से, एक तो जो मोबाइल का जो आजकल हमारे यहाँ जो इशू चल रहा है कि हर बच्चा मोबाइल लेके बैठा हुआ होता है, पेरेंट्स परेशान होता है कि यार बच्चा मोबाइल को छोड़ के अपना जो है कोई दूसरी एक्टिविटी करे, तो मोबाइल से क्या होता है उनका माइंड जो है वो थोड़ा सा वो हो रहा होता है. At 55 seconds. Okay. High five, Burhan. Aziz is also done. At 1 minute. Done. सब लोग ही done है भाई, मतलब ये okay. अच्छा मैं भी done होना चाहती हूँ. ये कैसे करते हैं? मतलब ये सब लोगों ने 1 मिनट में कर लिया. Wow. कुछ नहीं होता दोस्त. अगर मैं होती तो मैं मतलब 2 घंटे भी यही कर रही होती. मेरे पास एक रूबिक्स क्यूब है मेरे बचपन से जो कि मैं अभी तक सॉल्व कर रही हूँ. मेरे ख्याल में मैंने 14 साल की उम्र पे किया था, और मैं आप लोगों को अपनी एज अगर बताऊंगी तो इट्स वेरी गुड, ट्रस्ट मी. ये भी बहुत अच्छा है बेटा, आपने 1.5 मिनट में कर लिया. आपको अगर डोंट फील बैड एट ऑल, ट्रस्ट मी, मुझसे ले लें, बहुत गुड है. आई एम सीरियस, कंग्रेचुलेशन.
वाकई में इज वेरी गुड. अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब दिस इज नट्स, दिस इज रिडिक्यूलस. ये लोग इतने सारे ये मुश्किल किस्म के रूबिक्स क्यूब जो हैं ये लोग सॉल्व करते हैं. इसके अलावा इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी होती होगी और इनकी जो लॉजिक है वो भी अच्छी होती होगी. क्या आईक्यू बढ़ता है? जी जी बिल्कुल, इससे आईक्यू बढ़ता है. बिल्कुल स्मार्ट होता है ना, यानी दुनिया जो है वो फास्ट चल रही है और ये आप देख रहे हैं कितने फास्ट चल रहे हैं. तो इनका आईक्यू लेवल और हैंड जो आपने अंदाजा लगा ही लिया है. ये आप सब लोगों में से मैथ किसकी बुरी है? ऐसी कॉन्वर्सेशनली आपकी बुरी है? मेरी भी, मैं भी. आपकी भी बुरी है बुरहान? आपका लॉजिक वाले पेपर जो है वो आपके कैसे हैं? बेस्ट सब्जेक्ट क्या है आपका? बेस्ट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स. मैथ सबसे अच्छा आपका? साइंस. मैथ नहीं क्या? सबसे अच्छा कौन सा, सबसे अच्छा जो लगता है? इंग्लिश. मैथ्स. साइंस. अच्छा बस बेसिकली बेसिक थोड़ा सा, मतलब नाश्ता वास्ता किया था ना, थोड़ा ऊंचा बोलो यार, थोड़ा खुल के बोलो. तो आप, और आपका वर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपके ख्याल में? आपका क्या वर्स्ट? वर्स्ट सबसे बुरा, सबसे मुश्किल जो लगता है? सोशल स्टडीज. सोशल स्टडीज. आपका? मैथ्स. मैथ्स सबसे बुरा है? इतना तुम, मतलब सबसे पहले तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा मैथ सबसे बुरा है? हो ही नहीं सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ. कोई भी नहीं. आप बताओ. कोई भी नहीं. कोई भी नहीं, सबसे अच्छे हैं. ये सेटिंग में चल रहे हैं. इंग्लिश. हिस्ट्री. हिस्ट्री. यानी कि दीज किड्स आर गुड विद, आई फील लाइक दे गुड विद लॉजिक. एनी सब्जेक्ट दैट हैज लॉजिक. इसका क्या ट्रिक होता है सॉल्व करने का? ये आपको अदनान बताएंगे कि इसका ट्रिक क्या होता है. अदनान बताइए इसका क्या ट्रिक होता है. एल्गोरिथम होते हैं मुख्तलिफ तरीके के एल्गोरिथम. तीन तरीके के ट्रिक्स होते हैं, मतलब एक तो बिगनर्स मेथड होता है, सीफॉप मेथड होता है, और एक रोक्स मेथड होता है जिससे सॉल्व होता है. सही, जबरदस्त. ये बाय द वे यहाँ पर बुरहान जो है इनके पास एक और खतरनाक वाला रूबिक्स क्यूब है जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल वाला होता है. इसमें शेप शिफ्टर होता है. ये इसके अंदर से, मतलब ये अजीबो गरीब शेप से इसका स्क्वायर बना देंगे. कैसे बनाएंगे ये हम जानेंगे और ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को जरूर दिखा भी दूंगी कि इनका, इन्होंने स्क्वायर बनाया है नहीं. प्रॉमिस, ये रिपोर्ट आपको दूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब आपको अपने स्टूडेंट्स लाने का. आई होप कि आप जैसे डेडिकेटेड टीचर्स जो हैं वो और भी स्कूल्स में हों. आपको कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं अगर हमने अपने नालायक बच्चों को आपकी उसमें तरबियत भेजना है? मैम हमारे स्कूल का जो है वो यूट्यूब का एक पेज है, उस पर हम लोग ये रूबिक्स वगैरह की और दूसरी रोबोटिक्स वगैरह की जो है हम वीडियोस डालते हैं, तो उसके जरिए आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. और बाकी अगर आपको मुझे अप्रोच करना है तो उसी के जरिए आप स्कूल. सही. आप इससे कर. तो नाजरीन सैफिया बॉयज हाई स्कूल यूट्यूब पेज जो है उसके रूबिक्स वीडियोज जाके गूगल करें, सर्च करें, आई एम श्योर आपको मिल जाएंगे. इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, टेबल मैनर्स के बारे में बात करेंगे. सब लोग अपने, तब तक मम्मी को वेव करें. लेट्स वेव टू द मम्मी. यहां पर वेव करो इस कैमरा में, ठीक है? अल्लाह हाफिज. थैंक यू. हाय मम्मी.